सीएम कमलनाथ कमलनाथ सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह देवास पहुंचे और जहां उन्होंने प्रसिद्ध माता टेकरी पर माता तुलजा भवानी और माता चामुंडा के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही प्रदेश में कोयले की उपलब्धता को लेकर केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता सुनील गुप्ता और लोकेंद्र राठौर की मन्नत पर माता तुलजा और चामुंडा के दर्शन करने यहाँ आए थे। पिछले तीन महीने से चुनाव के मद्देनजर पिछली सरकार ने मेंटेनेंस का काम बंद कर दिया था और 1 दिसंबर से मेंटेनेंस का काम चालू हुआ जो 11 दिसंबर के बाद भी चल रहा था और विपक्ष के लोगों ने सोची समझी तरीके से अफवाह फैलाई कि कांग्रेस आई और बिजली गई। जहां तक कि कोयले का सवाल है, ये बात सही है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, पर हम भी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है कि केंद्र में बैठे दम कितना बाजू है कातिल में है। हम भी लगे हुए हैं और मध्य प्रदेश की जनता को समय पे विद्युत उपलब्ध कराएंगे। हमारे राजा साहब प्रियव्रत सिंह जी 2013 में संकल्प लिया था भैया ने, चुनाव अगर साहब जीतेंगे विधायक जी का तो हम लोग खिलचीपुर शहर से यात्रा करेंगे पैदल। आप खिलचीपुर से आ रहे हैं? जी, माता के दरबार में। क्या मानते हैं आपने जैसे जिस तरह की जो है यहाँ पर मांग की थी वो पूरी हो गई ना हमारी? पूरी हो गई। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।